एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी सीपीओ में पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से भरे, क्योंकि ये जो पोस्ट प्रेफरेंस आप फॉर्म भरते टाइम फिल करोगे वो आपकी फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस होगी, दोबारा से आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस के मामले में हेल्प करूंगा, लेकिन उसके लिए फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आगे जो भी अपडेट एसएससी की जितनी भी वैकेंसी आती है उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि भैया किस तरीके से आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस वो आप सभी के रहनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, तो सबसे बेस्ट पोस्ट है एसएससी सीपीओ में सीआईएसएफ की एसआई में, ठीक है। आपको इतना एयरपोर्ट में आपकी ड्यूटी रहती है, इतना ज्यादा हेक्टिक वर्क आपको नहीं करना पड़ता है, आपको आपके जो भी डेली रूटीन में आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी, आप इजीली रात में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए कि नहीं यार जल्दी से जल्दी हम क्या नाम है प्रमोट हो सके, तो उसके लिए आपको एसएसबी की जो डिपार्टमेंट में आपको एसआई की पोस्ट है वो आप सभी को चूज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फास्ट प्रमोशन के चांसेस आप सभी के रहते हैं, ठीक है। अब यहां पे सीआईएसएफ में मैंने आपको बताया है कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, साथ ही आपके पास इतना भी टाइम रहता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम अच्छे से उनको दे पाओगे, ठीक है। आपके पास मतलब आप अपने होम टाउन वगैरह भी इजीली विजिट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आपकी पोस्टिंग जो होती है वो ऑल ओवर इंडिया होती है, तो आपकी पोस्टिंग हो सकता है कि आपके घर के पास में, या अगर आपके जो अगर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट है, ठीक है, तो वहां पर भी आपकी कहने की पोस्टिंग बहुत ही ईजिली हो सकती है, तो आप होम टाउन भी पोस्टिंग आप सभी को मिल सकती है। फिर इसके बाद क्या है कि भैया ये आता है कि भाई उन डिपार्टमेंट जहां पर प्रमोशन जो है वो आपके ठीक ठाक है, मतलब फास्टर भी नहीं है, स्लोवर भी नहीं, ठीक ठाक प्रमोशन है, तो वो आपका बीएसएफ का बीएसएफ में एसआई की पोस्ट है, वहां पे प्रमोशन जो है वो आप सभी के बेटर है, ना ज्यादा फास्ट है ना ज्यादा स्लो है, मीडियम बेटर है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी है वो आपकी आईटीबीपी में एसआई की जो पोस्ट है, जिसमें आपका बीएसएफ से फास्ट प्रमोशन है लेकिन एसएसबी से आपके स्लो प्रमोशन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर आपके जो प्रमोशंस हैं, साथ ही आप किस तरीके से आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा दिल्ली पुलिस में जो आप सभी की एसआई की पोस्ट है, सीआरपीएफ में जो आप सभी की एसआई की पोस्ट है, देखिए दिल्ली पुलिस इस वजह से लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अरे क्रीमी लेयर की पोस्ट है इस वजह से दिल्ली पुलिस का, ठीक है। और कई बार क्या होता है इसकी कट ऑफ भी इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी हाई जाती है, ठीक है। सीआरपीएफ वगैरह में क्या होता है कि आपको बेनिफिट कई सारे आप सभी को मिलते हैं, ठीक है, पोस्टिंग्स भी आप सभी की ऑल ओवर इंडिया रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आप सभी की सही है, लेकिन आपको तैयारी के पर्पज से आपकी उतनी अच्छी नहीं है, ना ही प्रमोशंस के पर्पज से आपकी उतनी अच्छी आपकी सीआरपीएफ में एसआई की पोस्ट है, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे चार डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं जहां पर एसआई की पोस्ट बहुत ही जबरदस्त है प्रमोशन और प्रोफेशन के मामले में। बाकी अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो लाल वाला बटन दबा सकते हैं, और बाकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम यहां पर मिलती रहेंगी।